हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऑफ द डे में पार्ट 6 हम लोग करने जा रहे हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड पूछा गया और क्वेश्चन को पूछा है, एक मिनट सर मोबाइल दे दीजिएगा, क्वेश्चन को पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, हालांकि पेड क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं और जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसने अपना नेम मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम से बेटा जो भी क्वेश्चन पूछिएगा तो क्वेश्चन के नीचे अपना नेम जरूर भेज दिया करिए। चलिए, तो कोई एनोनिमस बच्चा है, बड़ा प्यारा सा और बहुत प्यारा सा उसने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन इस तरीके का, देखिए कह रहा है यदि 1+x, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, हिंदी भाषा वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कि यदि 1+x की होल पावर n के प्रसार में तीन क्रमागत पद 220, 495 और 792 हो तो n का मान बताइए। इफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन ऑफ 1+x की होल पावर n, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। पूछने का लॉजिक क्या है सर? ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, अगर इसको आप करने बैठोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं, 3 से 4 मिनट आपके वेस्ट होंगे। शायद इसी वजह से उस बच्चे ने पूछा है कि आलोक सर को भेजते हैं, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे टैकल करते हैं, एसकेप पब्लिकेशन, अरिहंत और लूसेंट सब में इस टाइप के क्वेश्चन है, मैंने एज इट इज क्वेश्चन ही उठा लिया है, पूछा गया क्वेश्चन भी यही है। तो चलो पहले थोड़ा सा फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल क्या करने वाले हो, हालांकि मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, वो आप कर लोगे उसमें आप बेटर हो। टेक्स्ट बुक है आपके पास, आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देख लोगे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ। देखो 220, 495 और 792 याद कर लूँ जल्दी से मैं, क्योंकि मैथ्स याद नहीं होती मुझे। देखिए 1+x की होल पावर n और इसमें तीन कॉन्जिगेटिव टर्म्स आपसे बोले गए, तो मैंने कंसीडर कर लिए कि वो तीन कॉन्जिगेटिव टर्म, एक tr हो गया, एक हो गया tr+1 और एक हो गया आपका tr+2। तीन कॉन्जिगेटिव टर्म है, एक है rth टर्म, एक है r+1 टर्म, एक है r+2 टर्म, तो देयर आर थ्री कॉन्जिगेटिव टर्म्स। अच्छा आपको पता है ये होता है एन सी आर, 1+x है तो फर्स्ट टर्म इज 1 और सेकंड टर्म क्या है बेटा x, n-r एंड दिस इज r, लेकिन टी आर है यहाँ पे, तो यहाँ r नहीं आएगा, एक काम होता है r-1, याद जानते हो r+1 में होता है, ओके ऐसे यहाँ पे भी r की जगह r-1, तो n-r होता है, तो r-1 करोगे ये +1 हो जाएगा और यहाँ r-1, ओके अच्छा r+1 ये सिंपल है, एन सी आर फर्स्ट टर्म 1 और सेकेंड टर्म x, n-r और यहाँ पे r, r+1 है r आना चाहिए था, r है तो r-1 होता है, ये आपको पता है। जैसे आप फर्स्ट टर्म क्या बोलते हो एन सी जीरो, फर्स्ट टर्म के लिए क्या बोलते हो एन सी जीरो, सेकेंड के लिए एन सी वन, तो ऐसे बेटा r के लिए एन सी r-1 पावर सेट करना आपको आता है, ठीक है। अच्छा इस तरीके से इसमें हो जाएगा एन सी आर, आर प्लस टू है तो आर प्लस वन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 1 और ये x की पावर, ये हो जाएगा इसकी पावर n-r -1 और इसकी पावर r+1। क्वेश्चन में ये दिया गया 220, ये दिया गया 495 और ये आपको 762, आई थिंक ये दिया गया था। अब करना क्या है तुम्हें, इसका फॉर्मूला आप जानते हो ncr का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, फॉर्मूला लगाइएगा, इसको ओपन करिएगा, ऐसे इसमें भी फॉर्म है इसमें, तो स्टेप में बता रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट आप क्या करोगे कि फर्स्ट अपॉन टू, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा n-r+1 r = this ratio, फिर आप करोगे सेकेंड अपॉन थर्ड, इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन फोर्थ, इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी इक्वेशन फाइव, इक्वेशन फोर और फाइव को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एन की और ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक है यार, आप किसी भी बुक को उठा लेना यार, टाइम वेस्ट क्यों करें यार इसको बार बार बताने का, आपके पास बुक से थोड़ी मेहनत तुम भी करो, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ये नहीं कि अंधभक्तों की तरह आंखें बंद करके जितना पढ़ाया जा रहा उतना ही पढ़ो, नहीं आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, फंडामेंटल्स आप देख सकते हो, बाकी पेड क्लास जितनी भी चल रही है वहाँ पे मैं फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूँ, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। मैं सीधे आता हूँ फंडे पे कि डायरेक्ट कैसे टैकल करोगे। चलिए भाई
तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, इफ देर आर थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स और कॉन्जिकेटिव टर्म्स आपको गिवेन हो, रेशियो गिवेन है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे रेशियो नहीं गिवेन है, तो देखो इसको करने का बेस्ट वे मैं बता रहा हूँ और 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप 10 से 12 सेकंड, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। देखो क्या करना, टर्म्स लिखा है 220 और 495, इसमें रेशियो निकाल लो पहले। तो आप कहोगे कि सर ये 11 से कट रहा कितनी बार, सर 11 से ये 20 हो गया, 11 से इसको काट दीजिए 4 और ये 5, 5 से काट दीजिए 4 और ये 9। सिंपल फॉर्म में निकाल लिया मैंने, क्या किया इन दोनों का रेशियो ले लिया, फिर मैं इन दोनों का रेशियो ले दे रहा हूँ, 495 अपान में 792, ये 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कटना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये 4 और 5 अभी देखा था, और ये 7 और ये 2, अब ये 9 से जा रहा है। टेबल याद होनी चाहिए आपको, पहाड़े याद होने चाहिए, पहाड़े नहीं याद है तो रहने दो, फिर तुम फिर एयरफोर्स से तुम छोड़ दो, फिर उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप BA कंप्लीट करो और एक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आता है, या IAS PCS करो, मैथ्स उसमें हल्की आती है अगर पहाड़े नहीं याद है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे मिल जाते हैं SSC CGL की प्रिपरेशन करें, इसलिए तो CGL बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चे मुझसे करें सर SSC क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वाई ग्रुप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यार कैसे पढ़ाए, आती है अर्थमेटिक, 20 तक तुम्हें टेबल याद नहीं है और तुम इस भरोसे बैठे होते कि कोई टीचर आएगा और वो जादू की छड़ी घुमाएगा और तुम एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लोगे SSC CGL ऐसे एग्जाम, या कम से कम टेबल तो लर्न रखो। इसलिए मुझे एयरफोर्स NDA IIT ये बच्चे तब भी बहुत अच्छे होते हैं, 12th से निकलते बेचारे दुनिया अभी देखी नहीं होती है, जितना कहा जाता है उतना करते हैं, और CGL के उसमें चले जाओ कि शादी हो गई है लेकिन CGL की तैयारी चलती रहती है, एक्सटेंड कर दिया जाए अगर उसको तो हो सकता है कि वो बुढ़ापे तक वो उसी की प्रिपरेशन करते रहे, हालांकि 30-32 साल एज लिमिट है, तो 32 साल तक वो CGL की तैयारी करते हैं और जब नहीं होता है सिलेक्शन फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं आप IAS की तैयारी करेंगे एक लेवल ऊपर, फिर 40-45 साल उसमें निपटा देते, या बीच में कोई कहता है यार BEd कर लो, तो BEd करते हैं, फॉर्म भरते हैं, वैकेंसीज आती हैं और वैकेंसीज लटक जाती हैं, तो ये चलता रहता है। तो इससे अच्छा, इतनी लंबी रास्ते तय करने से अच्छा क्या है, सिंपल से 20 तक पहाड़े याद कर लो, इतना ही तो बोल रहा हूँ। चलो भाई नहीं याद करने मत करना यार, क्यों तो सर क्या मिल जाएगा पहाड़े याद करके, तो 9 से कर दिया कैंसिल 5 और ये 8, अब बस एक स्टेप समझो, इतना काम कर लोगे। मैंने क्या किया, पहले वो दूसरे का रेशियो लिया और दूसरे और तीसरे का रेशियो लिया, सिंपल फॉर्म में निकाल लिया, क्लियर। अब एक बात, 9 और 4 कितना होता है 13, बहुत बढ़िया बात है। 8 और 5 कितना होता है 13, यहाँ सेम मिल गया है, नहीं मिलता तो क्या करते, ये दोनों नंबर 13 और 13 का LCM, अब 13 और 13 का LCM क्या होगा, 13 ही हो जाएगा, तो आपने कहा सर LCM आ गया 13, ओ बेटा ये जो LCM आएगा ये हमेशा n प्लस 1 के बराबर होगा, याद रख लो, तो n बराबर कितना आ गया 12, n बराबर कितना आ गया 12, आंसर खत्म, ठीक है। और बाकी तुम उस मेथड से करके देख लें, तुम्हें समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग जाता है, तो एन बराबर क्या हो गया 12, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर मैं करूं, क्या करना था सर, फर्स्ट 165 और 330 इन दोनों का रेशियो लेना था, 165 और 330 का, और फिर 330 और 462 का रेशियो। स्मार्ट बच्चा देखता है ये 11 से कट रहा है, इसको भी कटना चाहिए, ठीक है, तो 11 से काटोगे तो कितनी बार, 11 एकम 11 और ये 5 और ये 30, ये कितना आ गया 1 और 2, ऐसे इसको आप देख लो, तो यहाँ 11 से काटोगे तो ये आ गया 30, एक मिनट 11 33 30 बार जाएगा बिल्कुल, और 11 से ये काटोगे 4 और 2, यहाँ पे आ गया 5 और ये 7, इसको जोड़ने पे कितना आ गया बेटा 3, इसको जोड़ने पे कितना आ गया 12। अब मुझे ये बताओ 3 और 12 का एलसीएम, कुछ लोगों को तो एलसीएम भी नहीं पता होता है भाई, 3 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कुछ तो कहेंगे नहीं 36 हो जाएगा, तो 3 और 12 का एलसीएम क्या हो गया 12, जितना एलसीएम आया वो हमेशा एन प्लस 1 के बराबर हो गया, एन बराबर आ गया आंसर 11, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, रेशियो दिया गया तो यार मेरे लिए बड़ा आसान है, मुझे रेशियो निकालना होता है, क्वेश्चन में रेशियो ही दिया गया है, तो आपने कहा सिंपल सा काम सर,
यहाँ रेशियो पहला दिया है 1:7 का और दूसरा रेशियो 7, ये 1:7 और 7/42 बेटा कितना हो जाएगा 1:6, जोड़ने पे कितना हो गया ये 8, ये जोड़ने पे कितना हो गया 7, 8 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 56, ये 56 बराबर किसके हो जाएगा n+1 के, तो बेटा यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 55। अब एक बच्चा कहेगा कि सर इसमें r निकाल सकते थे, तो अबे एक बात बताओ, n पता चल गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, कितना मुश्किल है आर निकालना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें यार, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ये बेस्ट वे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, और कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे अप्लाई की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मैंने क्वेश्चन के एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये करते कैसे हो, कि ये बनाते कैसे हो, तो बेटा आप ऑफलाइन में नहीं पढ़े हो इसलिए सर ये क्वेश्चन पूछा है, कि सबका एक लॉजिक है, सबके पीछे एक वास्ट मेथड है कि ये कैसे आप अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में। क्लियर, आज इतने देखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।